ये देखो, 5 बजे का मैंने अलार्म लगाया था और मैं 8 बजे तक सोता रहा। तो खैर, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आपको पता होगा कि आज से ठीक 4 साल पहले मैं हॉस्टल में पढ़ता था। चारों तरफ से जंगल और बीच में बसा एक मिडिल स्कूल। मैंने अपने जिंदगी के 8 साल वही गुजारे। जिंदगी के सारे कांड भी मैंने उसी जगह पर किए। पहले वो हमारे लिए जेल हुआ करता था, पर अब वो हमारे लाइफ का बेस्ट पार्ट है। हॉस्टल छोड़ते वक्त हम सब ने वादा किया था कि हम टच में रहेंगे, मिला करेंगे। पर आज 4 साल हो रहे, ना हमने किसी की शक्ल दिखी और ना ही किसी की आवाज़ सुनी। तो आज ठीक 4 साल बाद मैं वापस गढ़चिरौली जा रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ जिंदा शक्लें दिखाई दे। डाकू को यूनिवर्सिटी में कोई काम था, हमने उसी को घूमने का बहाना बना लिया। कॉलेज में डाकू हमारा इंतजार कर रहा था, हम तशरीफ लेके पहुंच गए। दिस इज एमके, ये है निंजा वसाके और ये है हमारा ड्राइवर। सफर में डाकू ठुसकिया छोड़े जा रहा था और हम उसे चीयर कर रहे थे। हमारा सफर शुरू हुआ गढ़चिरौली की ओर। पता नहीं मेरे इन दोस्तों के दिमाग में क्या चल रहा था, पर मेरे लिए ये इस तरह था जैसे मोहन भार्गव का स्वदेश लौटना। क्योंकि मैं गढ़चिरौली का नहीं हूं, पर एक तरह से गढ़चिरौली मेरी भी है। अरे गोंड पिपरी, अभी आएगा हमारे रास्ते में, मजा देखो अभी आगे। गोंड पिपरी ना आए, गढ़चिरौली चल। ढेर सारी बातें करते हुए और सड़क की बच्चियां चेक करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। पास ही रास्ते पर हमने एंट्री की और उन्होंने कहा कि रात होने से पहले हमें वापस भी लौटना है, क्योंकि रात को गेट बंद रहेगा और जंगली जानवर सामने। सामने सफर था और रास्ता। धीरे धीरे हम भी इस धुन में खोने लगे और इस सफर के हम भी होने लगे। हम आ चुके हैं आदि जंगल में, अभी होगा इधर माहौल। इधर देखो पास में क्या है, पानी का झरना। आने जाने वाले सारे थकने लगे, नाम तेरा नींद में हम बकने लगे। आने जाने वाले सारे थकने लगे, नाम तेरा नींद में हम बकने लगे। मन में भर रोशन फूट गया जी, अरमा के जुगनू भड़कने लगे, भड़कने लगे और भड़कने लगे। नयन मिले तो फायर जले, ऐसी फायर जले, दिल मेल्ट मेल्ट कर रहा। जैसे मैं इस रास्ते को देखने लगा, मेरा बचपन मुझे नजर आया, क्योंकि कुछ कहानियां इस रास्ते ने भी मेरी देखी है। घर आते वक्त जिस तरह खुशी से इस रास्ते से आना, वही हॉस्टल लौटते वक्त आंखों में घर की याद होना। जिस तरह हॉस्टल के पहले दिन घर को छोड़कर गया था और हॉस्टल के आखिरी दिन दोस्तों को छोड़कर आया था, इस रास्ते ने सब देखा है। और जिस डायरी की बात मैंने डियर डायरी में की थी, वो भी मैंने इसी रास्ते पर फेंकी है। लग रहा था मानो छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हो और फिर से वापस हॉस्टल लौट रहा हो। तकरीबन 3 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग गढ़चिरौली पहुँचे। सुबह घर से निकलने से पहले मैंने 2 लोगों को मैसेज किया था, एक मेरा भाई कुणाल यानी हमारा बैंजो और दूसरा टेडी मेरा क्राइम पार्टनर। ऐसे नहीं कि मैं गढ़चिरौली आ रहा हूँ, ऐसे कि मेरे दोस्त का एक काम गिरा है, थोड़े बहुत चांसेस है कि मैं गढ़चिरौली आ सकता, अगर तुम लोग जिंदा हो तो मुझे अपनी शक्ल दिखाओ और जो भी साथ में होंगे उनको भी लेकर आओ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने गए हैं और ये 2 छुट्टी पर है। हम लोग यूनिवर्सिटी पहुंच चुके थे। डाकू डाउटे और वसा के अपना काम निपटाने चले गए और तुम्हारा भाई भारत में लाभ करने। तो सबसे पहले मेरा भाई बैंजो आया हुआ था। तो ऑनेस्टली बताओ, हमारे हॉस्टल में पहले मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं थे, तो आपके भाई का ख्याल था कि इतने दिनों बाद मिले हैं, कम से कम इनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग पे इनके रिएक्शन देखो। 4 साल से मिल रहे यार, मुझे बाकी का कुछ नहीं पता, आज तुम्हारे भाई का दिन एकदम
अब बैंजो का तो ठीक था, लेकिन ये तो हरामखोर दूर से ही अपना चेहरा छुपाते हुए है। देख रहे हो सालों की नौटंकी, आखिर 4 साल बाद मिले हैं, थोड़ा बहुत तो चले गई। मुझे खुशी, एक्साइटमेंट और ऑकवर्डनेस सब एक साथ फील हो रहा था, लेकिन 2 मिनट बाद हम अपने पुराने मोड में आ गए, क्योंकि यार एक साथ सोन पापड़ी जो चुराई है। हमारा कहीं बाहर घुमाने का प्लान था, लेकिन हमारे पास वक्त भी बहुत कम था, क्योंकि जैसे डाकू का काम हो जाता है हमें वापस लौटना भी था। तो हमने पास की एक जगह डिसाइड की और टाउटिया खाली था तो उसको भी बुला लिया। हम पास ही नदी किनारे आकर बैठ गए। उन्हीं दिनों की तरह चिप्स और कुरकुरे खाते हुए, जैसे स्टडी टाइम पे हॉस्टल के टेरेस पर जाकर लक्ष्मी नारायण खाते थे। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम सालों बाद मिल रहे हैं। लग रहा था कि अभी गनी भाई का कॉल आएगा और हमें फिर से हॉस्टल जाना पड़ेगा। इन लोगों के साथ मेरी बहुत सी खूबसूरत यादें हैं। कुछ लोग मिसिंग है, पर उन दिनों हमारा एक ग्रुप हुआ करता था, सैराट। यूट्यूब पर पहली वीडियो में जो लोग डांस कर रहे हैं ना, ये वही लोग हैं। ये तुषार, इसे सब टेढ़ी बुलाते हैं, मेरा क्राइम पार्टनर। आधी रात को स्टाफ रूम में जाकर हमने सोन पापड़ी चुराई थी। भोली शक्लों का सबसे ज्यादा फायदा हम ही लोगों ने उठाया। क्लास टीचर से काम के लिए मोबाइल मांगकर फेसबुक खोलना हो, या स्टाफ रूम से लैपटॉप उठाकर मूवी देखना, साले का एक ही ड्रीम था कि स्कूल में नक्सलवादी हमला हो और हम स्कूल को बचाए। हमारे कई राज दफने। और ये कुणाल, मेरा भाई, मेरा कप्तान और सबका बैंजो। रात के 2 बजे हम लोग क्लासरूम में मसाला भात लाके खाते थे। वो आईफोन वाला प्यार हो, वो झिंगाट वाला डांस हो, और स्कूल की खिड़की फोड़कर रात को मधुमक्खी का छत्ता निकालना, ही विल ऑलवेज बी माई बेस्ट फ्रेंड। और ये साहिल यानी परशा, गोवा में गूगल मैप देखकर हमने एक बार अपने ग्रुप को ही भटका दिया था। फिर चाहे भाई का आनो का डांस हो, या पुणे का पावर बैंक, या मालिक मर गया माल छोड़ गया वाली टी शर्ट, वी हैव ब्यूटीफुल मेमोरीज टुगेदर। इनके बारे में बातें करूं तो पता नहीं कहानी कहां पहुंचेगी। इतने दिनों बाद फिर से लग रहा था कि मैं उन दिनों में वापस आ गया हूं, एंड दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ इज कॉल्ड हैप्पीनेस। मैं कभी इन लोगों को भूल नहीं सकता। सालों के मैसेंजर्स में मेरे सारे सीक्रेट्स पड़े हैं। बिल्कुल भी यहां से जाने का दिल नहीं कर रहा था, पर टाइम भी हो रहा था। सबको साथ में लेके हमने कुछ फोटोज खींचे और मैंने अपनी कहानी में उन्हें कैद कर लिया। पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी, पर यकीन है जरूर होगी। उस दिन गढ़चिरौली से फिर से मैं एक किस्सा वापस लेके आ रहा था आपको बताने के लिए। एक खुशी भी थी और नाराजगी भी कि दोस्त हमेशा पास क्यों नहीं होते, पर आफ्टर ऑल दिस इज लाइफ। तेरे पास यादों का मेला रहेगा, तू लोगों में रहकर अकेला रहेगा, अकेला रहेगा। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या रंग कर दिया है, खुशबू का झोंका तेरे संग कर दिया है। देख तेरा क्या पूरा बंद नो करूस भाई सर। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं एंडिंग में?
अभी तो हम कारवा के आगे आ चुके हैं। अभी हमें जाना है बल्लारशाह। अच्छा, अभी हम अभी रेस्ट के लिए उतरे हैं, बस दो मिनट का रेस्ट होगा हमारा, फिर हम निकल पड़ेंगे अपने सफर पे। सीधे बोलिए ना, अपन इधर सुसु कर रहे करके। हाँ, ये नया सफर है रास्ते। एक बात बताओ, इंटरटेनमेंट होना आज मजा है कैसा? आज तो दमदार मजा है यार। ओ, क्या बताएं आपको इस दुनिया की कहानी। शेर तो हमें नहीं दिखा, पर दिन जरूर याद कर रहेगा। हर हरिया दारू को पीना छोड़ा, जीना सीखा, पूजा जब प्यार किया रे।